नमस्ते फ्रेंड। भारत सरकार द्वारा 12वीं पास के लिए कुछ वैकेंसी निकाला गया है, उसके बारे में जानकारी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ये 6 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और 15 दिसंबर 2020 तक लास्ट डेट है, और इसका लास्ट रात को 11:30 तक से लास्ट रहेगा सबमिशन, उससे पहले आपको करना होगा। इसमें दिया है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरियल, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए दिया गया है। इसका पे लेवल रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक है, और ये पोस्टल असिस्टेंट का है। सॉर्टिंग असिस्टेंट पे लेवल 25,000 से 81,000 तक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, पे लेवल रहेगा 4, इसमें रहेगा 25,500 से 81,000 इतना तक से इसमें दिया है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,000 से 81,000 है, और लेवल 5 के लिए जो 29,200 से 92,300 तक का है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए पे स्केल है 25,500 से लेकर 81,000। वैकेंसी के लिए आप देख सकते हैं, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो दिया है नोटिफिकेशन में आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। इसमें दिया है नेशनल सिटीजन के लिए, एसटी एससी ओबीसी के लिए ये एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका एज लिमिट जो है 18 से 27 साल के बीच में है, और इसमें एसटी एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी को 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी रिजर्व को दिया है 10 साल का, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी एसटी एससी के लिए 15 साल का है। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, और फिर दिया गया है इसमें अच्छे से, आप जिसका कैटेगरी में आता है वो आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे दिया जाएगा, इसमें आप इसको डाल सकते हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है लिंक, ये एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगा 100 रुपये रहेगा इसमें ना, और इसमें कहाँ से भरेंगे आपका देख लीजिएगा, कौन से रीजन में आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इंग्लिश जो दिया है टेस्ट फर्स्ट, मतलब जो टायर रहता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा ये, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25-50 मार्क्स नंबर मैक्सिमम है ना, ये दिया गया है, मिनिमम एंड मैक्सिमम दिया गया है। इसमें ऑप्टेन कितना करने हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, और 16 मिनट में 80 मिनट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल टू सब्सक्राइब पर प्लान ना, इसको मतलब अच्छे से पढ़ के ही दिलाना है। जनरल अवेयरनेस का रहेगा, और एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंसी, और इंग्लिश का क्वेश्चन इसमें रहेगा मेन, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें ये सब उसका क्या बोलते हैं सिलेबस है, कि कौन कौन से क्या आएगा। दूसरे के लिए ये भी दिया पेपर कौन सा रहेगा, इसमें स्किल टर्निंग टेस्ट क्या क्या रहेगा, टाइपिंग टेस्ट है ना, एडमिशन द, आप देख सकते हैं आधार कार्ड इसमें जो जो लगेगा, ओरिजिनल आईडी, जो अपना परीक्षा केंद्र में जाने के लिए जो जो आईडी लगेगा वो सब इसमें से एक या दो होना अनिवार्य रहता है। देख लीजिएगा आप क्या लिखा है इसमें, इसमें भी है ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन एडमिशन सेंटर, मतलब इसमें से कोई भी आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी उसका फ़ोटो डेट ऑफ बर्थ के साथ होने वाला, मतलब रहने वाला, आपको जब ले के जाना है, और एग्जामिनेशन में फ़ोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी साथ लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा, ये देख लो कब होगा, देख सकते हैं ये पूरा मतलब नोटिफिकेशन है। और ये एक सर्टिफिकेट जो रहेगा उसमें क्या है कि लिमिटेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। आप अच्छे से, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। कुछ गलती हुई से माफ़ी।
सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।